सुनो, नुक्कड़ नाटक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। अभी अभी थोड़ी ही देर में प्रारंभ होने वाला है। आइए चलिए देखते हैं, नुक्कड़ नाटक का आनंद उठाते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच कर इसका लाभ उठावे। अरे वो आ रहे हैं। अरे कौन आ रहा है? अरे वो आ रहे हैं। अरे कौन आ रहा है? अरे मामा आ रहा है, अपने मामा। कौन मामा? कौन मामा? अरे सबके मामा, शिवराज सिंह मामा। अच्छा, सबके मामा। अरे इस बार उनकी सरकार आने वाली है ना। अच्छा, हाँ वो मध्य प्रदेश में फिर से आ रहे हैं। अच्छा, चलो तो सरकार आ रही है। हाँ चलो तैयारी करते हैं। अरे चलो, लेकिन एक बात मालूम है, तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। कौन लोग? अच्छा, वही विरोधी कांग्रेस वाले। वही कांग्रेस की बुराई करते हैं, मामा की, मोदी जी की, सबकी बुराई करते हैं वो लोग। अरे हाँ, अरे वो काका हमारे पास आए थे, हाँ। वो हमसे ही बोल रहे थे कि हमारे घर आए थे खाली चोरी की, वो हमें वोट देना। अच्छा, कांग्रेस वाले? नहीं, लेकिन सब लोग समझ जा रहे हैं। क्यों भैया, कमर पे वोट दोगे ना सब लोग? हाँ भाई, हाँ कमर पे वोट मिलेगा। तो क्या हुआ, वो काकी बोली नहीं बहन जी, हम तो तुम्हारे साथ है, हम मामा के साथ है, हम टक्कर बीजेपी है। अच्छा एक बात तो बताओ, अरे वो लच्छू का क्या हुआ? लच्छू? अरे घंटू बोलते हैं इसको, घंटे। अरे वो घंटे, मुझे वो आपके गांव में रहता है। अच्छा हाँ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ? हो गई नहीं मालूम, मैं मतलब दिया है, आई समझ में? फोन लगाना है और 10 मिनट में आएगी। बिल्कुल अच्छा, ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि सड़कें अच्छी है। पहले कांग्रेस के जमाने में पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं, इन गड्ढों में सड़क है, ऐसे तो हाल थे इनके। अच्छा, अब हम बताएगा था आपको, हमारे शिवराज मामा ने गांव से शहर तक जोड़ दिया है। बिल्कुल, यानी पक्की सड़क बनवा दी है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री सड़क योजना, बिल्कुल सही है। और वो बच्चियों का क्या है, लड़कियों के लिए? हाँ अच्छा, अरे छोटो इधर है ना, अरे लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है दीदी? अरे लड़की पैदा होते ही शिवराज मामा उनका नाम लिख देता है। अच्छा, छोटे से लास्ट इंडिंग तक पढ़ाई से खर्चा मामा उठाता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो जमाना गया जब लोग बोलते थे भैया लड़की हो गई अब क्या करेंगे, कैसा पढ़ेगी, कहाँ से खर्चे उठाएंगे। अब सब कुछ हमारी सरकार करके देती है, यानी भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, ठीक है ना। और एक बात तो बताओ, बिजली का मैंने सुना बहुत सारा बिल आता है। अरे नहीं, तू बता मोड़ी। अरे बिजली का बिल नहीं, सरकार शिवराज मामा ने 200 रुपए महीना बिल कर दिया है बिजली का। 200 रुपए महीना बढ़ जाए, भले कितने भी बिजली चला लो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 200 रुपए महीना देना है, पूरा महीना फिर फ्री बिजली जला और 200 रुपए महीना। बेचारे बेचारे गांव वाले आग घूरती है, लकड़ी कंडे भी उनके चूल्हे जलाते हैं, उनका क्या है? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उसमें क्या है, उसमें क्या है? अरे दीदी उसमें क्या होता है वैसे? अरे यार, हम जब छोटे थे ना, हाँ? हमारी माँ फूकत फूकत चूल्हा उसके साथ करने लगती थी,
तो मैंने कहा माँ तू शांत हो जा, शिवराज सिंह की चौहान की सरकार आ गई है तो अब तो गैस चूल्हा मिल गया है। कभी चाय नहीं देखा था हमने पीने में, कभी चूल्हा फूकना पड़ता था, आज हमको गैस चूल्हा मिल गया तो हम तो बढ़िया आयस के साथ कुर्सी में बैठ के चाय पीते हैं। मतलब धूल धुआं प्रदूषण से मुक्ति ये सब दिया शिवराज सरकार ने। अच्छा एक बात तो बताओ, अरे हम जैसे बुड्ढों के लिए तीर्थ पर जाना हो तो बताओ पैसे नहीं हो तो कहाँ से जाएंगे तीर्थ करने? अरे सरकार ने तीर्थाटन योजना का भी अच्छा कर दी है, फिर हम बताते हैं क्या है हमारे मामा सरकार, ये बीजेपी की सरकार है जो, तो जिसके घर में बुढ़े माँ बाप है तो लड़के आजकल तो सुनते ही नहीं, तो शिवराज मामा बोले कि तुम काम करो, हम बूढ़े लोगों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं, पैदाव टिकट सब कुछ सब उन्हीं का लगता खर्चा, बिल्कुल फ्री में ले जाते हैं चारों धाम घुमा के खाना पिलाना बढ़िया स्वच्छ घर पे छोड़ देते, कोई ना अच्छी बात करो। ये सब हो गया, ये बेचारे नए लड़के लड़की है, ये पढ़ लिख गए, मान लो नौकरी नहीं मिलती है तो काम धंधे के लिए पैसा कहाँ से आ गए इनके पास? बताओ हाँ सही बात है, सही बात तुम्हें मालूम नहीं बीजेपी सरकार ने कहा दियो है क्या? अरे मजदूरों का भी जुम्मा लिया है भाई। अच्छा और पढ़े लिखे लोगों का मजदूरी थोड़ी करेंगे ये भाई, काम तो करना पड़ेगा, बीजेपी का साथ देना पड़ेगा। अरे यार भाई बीजेपी सरकार आप सभी को ऋण देती है। अच्छा 10 लाख तक। अच्छा एक बात बताओ, 10 लाख का लोन देने की गारंटी कौन लेगा? ये अपने सम्राट का मां, ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, श्यामलाल द्विवेदी जी को ही जिताना है, बिल्कुल ठीक। यहाँ ये जीतेंगे तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है? तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब शिवराज जी के साथ हैं। हाँ। तो भैया कुछ बधाई बधाई हो जाए शिवराज मामा की। ऐसा हाँ। तो चलो हो जाए बधाई, हो जाए हाँ बिल्कुल हो जाए, हो जाए हो जाए हो रही जय जय भैया शिवराज की, हो रही बधाइया, हो रही जय जय भैया शिवराज की, हो रही बधाइया। जय राम जी की।